So hey guys, what is up? It's your boy AR Vlogs. और बहुत 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 time के बाद अब lockdown हुआ था, आप सबको पता है, कोरोना चल रहा था, आप सबको पता है। तो आज हम निकले एक प्यारे से road trip पे। So welcome back to my channel and let's start the video. अबे उसी में है, 24/7 वाले लिफाफे में ही है। दो लिफाफे भी हैं कि नहीं मिल रहा? पीछे है, पीछे रखा था मैंने। श्योर? हाँ। तो वही पहले ही आते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी बिलासपुर के अराउंड कहीं पहुँचे हैं और हमारे तनीश भैया कुछ ना कुछ घुमा चुके हैं, अभी ढूंढते हैं। वी जस्ट स्टॉप फॉर टी ब्रेक एंड हम कितने बजे निकले थे बनी? 7 बजे निकले थे एंड आई थिंक सो इट्स अबाउट 10 एंड काफ़ी अच्छी पेस खींच रखी है फिलहाल तो। और तुमने क्या घुमाया? खाने पीने का लिफाफा। क्या घुमाया? खाने पीने का लिफाफा। और ये दो प्राणी अगर आप दोनों को मेरे पीछे दिख रहे हैं खाना खाते हुए ठूसते हुए, लेट्स सी अब सुबह कब होती है, तो सुबह मिलते हैं आपसे। चा चा। So what's up guys, very very good morning to all of you and I just woke up right now और इतना प्यारा व्यू और आई थिंक सो अगर आपको आप देख पा रहे हो ये पीछे जो सीढ़ियाँ जा रही है, दिस इज़ टू आर ट्री हाउस एंड वैसे ये हमने यहाँ रुकना नहीं था बट हम सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे तो इसके अलावा और कुछ खाली नहीं था। हम चंडीगढ़ से करीब 7 बजे के करीब निकले थे एंड 3:30 वी वर इन GB एंड फिर भैया को फ़ोन नहीं किया, आधा घंटा वेट किया बाहर, उसके बाद आधे घंटे बाद फ़ोन 4 बजे फ़ोन किया, आके सामान वगैरह रखा, बैठे एंड बेसिकली दिस इज़ नॉट आर कॉटेज। अभी इसके बाद एक स्टोन कॉटेज है, वहाँ पे जाके हमने रुकना है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ट्रैक करके आगे जाके वहाँ पे रुकना है एंड नाउ आई विल शो यू द ट्री हाउस एंड उसके पीछे एक प्यारा सा व्यू। सो दिस इज आवर ट्री हाउस एंड नींद तो काफी रात को अच्छी आई है पर अभी आपको दिखाते हैं एक और चीज, प्यारा सा व्यू एंड दिस इज द व्यू। ये हमारे एग्जैक्टली ट्री हाउस के पीछे है और ये हमारे ट्री हाउस की बालकनी बने। गाड़ी तक जाना, सामान लेके आना। अभी सनराइजर कितने चली है तू जो बिना फूल बन के निकुड़िए बदामी रंग दिए। सो गाइस, अब हम अपनी प्यारी सी इस कॉटेज से निकलने लगे हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स वाटरफॉल जो यहाँ से 10 मिनट की ट्रैकिंग पे है। नहा के आएंगे आज सर ठंडे ठंडे पानी में। चलो I'll show you where it is and how it looks.
मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ये दूसरा दिन है हमारा जीबी में एंड इस प्यार इस जगह को छोड़ने के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, बट अब हम यहाँ से केलोंग के लिए निकल रहे हैं एंड दैट इज़ आई थिंक सो 5 hour ड्राइव मोर फ्रॉम हियर. सो लेट्स सी, मेरे दोस्त लोग मेरे को चीख रहे हैं कि जल्दी कर, चलो मिलते हैं आपको सड़क पे. सो गाइज, एक छोटी सी बुरी खबर, हम केलोंग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है. तो हम लोगों ने अभी यही डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू स्टे इन जीबी. अब जहाँ हम पहले रुके हुए थे वहाँ पे कोई हट और कैंप बचा नहीं, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू प्लेस. एक जगह मिली एंड लोग देखने गए हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज. आई होप अच्छा मिल जाए कुछ. वैसे अब हम आज के दिन के लिए शायद कुछ कैंपिंग टाइप सोच रहे हैं, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो गाइज, फाइनली रुकने की जगह मिल गई है एंड इट्स रेस्टोरेंट बेसिकली, बट उनके पास दो कॉटेज भी है और ये आप पीछे नाम देख सकते हो एंड नेगीज प्लेस सम काइंड, नेगी नेगी करके बंदे का नाम है एंड 5-star रेटिंग है इस जगह की, 5-star खाने को लेके. सो लेट मी शो यू द प्लेस. सो गाइज, ऑल फ्रेशनड अप एंड अब हम चले थोड़ा नदी के किनारे. आ गया नदी के किनारे. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज मैन. What's up guys, it's a very good morning to all of you again. हम हैं अपने वापसी पे. अब हमने थोड़ा डिफरेंट सा रूट लिया है, वी गोइंग टूवर्ड्स शिमला. सड़क बड़ी प्यारी है, लोग कह रहे थे सड़क स्टीप है बट इतना कुछ दिखा नहीं मुझे एंड बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. सो गाइज, वी हैव फाइनली रीच्ड शिमला. बस अभी वो लोग लिफ्ट के पास पूछने गए हैं कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं, भूख बहुत लग रही है, पैदल चल के जाने की कोई हिम्मत नहीं है माल रोड तक, क्यों पता है कोई ढंग का खाया जाए. लेट्स सी, इट वाज टू टायरिंग मैन, इट वाज टू टायरिंग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कुछ अच्छा सा खाने को मिलता है कि नहीं. बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा. चीयर्स. सो हे गाइज, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग. इट्स द नेक्स्ट डे. रात को आते आते काफ़ी टाइम लग गया था. आई थिंक सो वी रीच्ड अराउंड 12:30 or 1. एक्चुअली हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक फ्रॉम मंडी वाला रूट, वी केम बैक फ्रॉम शिमला रूट.
थोड़ा लंबा रास्ता है बट बहुत साफ रास्ता है, बिकॉज अगर आप मंडी की तरफ से जाओगे तो एंड के कम से कम 45 किलोमीटर्स आर हिल, बहुत ज़्यादा सड़क टूटी हुई है. एंड इट ऑल इन ऑल इट वॉज अ रियल नाइस ट्रिप. सो आई कीप ऑन पोस्टिंग धीरे धीरे, बिकॉज इतना टाइम मिलता नहीं है ट्रिप मारने का या कहीं जाने का. आई कीप ऑन पोस्टिंग एज मच एज आई कैन. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.